आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है नवरात्रि की नौमी तिथि और मैंने बनाया है आज ढेर सारा प्रसाद। तो आज हमने कुछ सोचा है, कुछ अलग सा, कि हम अभी बाहर में हैं तो मैं घर पे तो कन्या भोज नहीं करा सकती थी क्योंकि इतने सारे बच्चों को बुला के अभी हमने ज्यादा किसी से हमारी पहचान भी नहीं है। तो हमने ये सोचा है कि मैं प्रसाद बना लूंगी और हम बाहर जाएंगे और उसके बाद हमें रास्ते में या फिर मंदिर के बाहर जो भी हमें दिखेगा हम उसे प्रसाद वितरण कर देंगे। तो ये मैंने ये सोचा है कि घर में किसे बुलाएं, और मैंने आज जो सोचा है वो आप आगे की वीडियो में देखेंगे। और जैसा मैंने सोचा है अगर वैसा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी और मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ आप भी जरूर करें। किसी भी व्रत त्योहार या किसी किसी भी फंक्शन अगर आपके घर में हो तो आप जरूर करें। तो यहाँ पे मैं अकेले ही हूँ और मैंने अपने हिसाब से जितना मुझसे हो पाया उतनी सारी चीजें मैंने बनाई है। तो यहाँ पे जो है मेरी खीर बना के मैंने तैयार कर लिया है और खीर के लिए मैंने यहाँ पर केसर घोल लिया है, तो मैं इसमें केसर मिला देती हूँ। केसर हमेशा खीर बनने के बाद डालते हैं तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए केसर डालते से ही खीर का कलर और खुशबू दोनों ही चेंज हो जाती है। तो ये देखिए मैंने इसमें केसर मिला दिया है। तो ये सारी चीजें मैंने कर ली है और अब ये सारी चीजें जब बन जाएगी भोग लगाने के बाद हम जाएंगे प्रसाद को वितरण करने के लिए। तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, मेरे वीडियो से आपको थोड़ा मोटिवेशन तो जरूर मिलेगा। ये वीडियो डालने का कारण यही है कि आपको थोड़ा मोटिवेशन इससे जरूर मिले। पर मेरी पूड़ी तल रही है, बहुत सारी पूड़ी मैंने बना ली है वहाँ पे भी और भी बना के रखी है, और यहाँ पे चावल बन रहा है। तो बस अब खाना बन गया है, उसके बाद मैं भोग लगाऊंगी और भोग लगाने के बाद हम जाएंगे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने। ये देखिए और पूड़ी मैंने बना ली है। तो यहाँ पे बन गया है मेरा पूरा प्रसाद, प्रसाद जो है वो तैयार है। यहाँ पे ये छोले की सब्जी, काले चने की सब्जी, पूड़िया मैंने तल ली है, अभी और भी पूड़िया तलनी है क्योंकि पहले भोग लगा लूँ उसके बाद और पूड़ी बनाऊंगी। और यहाँ पे बन गई है खीर और ये हलवा। तो ये प्रसाद तैयार है, सिर्फ चावल बन रहा है। और अब तो यहाँ पर जो माता जी का प्रसाद है वो मैंने थाली लगा ली है, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत दिख रहा है। बिना प्याज लहसुन के बना हुआ ये शुद्ध सात्विक भोजन है। पहले माता जी को हमने इसको भोग लगा दिया है और उसके बाद ये सारी चीजें हैं। तो हम जो प्रसाद वितरण करने जाएंगे तो ये मैंने रखा हुआ है, ये लेके जाएंगे और ये माता जी को भोग लगा दिया है। और तो खाना मैंने बना लिया है, प्रसाद मैंने भोग लगा दिया है। प्रसाद भोग लगाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने सब कुछ डब्बे में रख लिया है और अब हम जा रहे हैं बाहर सब कुछ लेके कार से। रास्ते में अगर हमें जो भी बच्चे या फिर कोई लोग दिखेंगे उनको हम ये प्रसाद देंगे। लेट्स सी हमें कोई मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं बहुत खुश हूँ, पहली बार ऐसा कुछ करने जा रही हूँ और मैं जितना बना पाई उतना मैंने बना लिया है। और अब मैं इसमें पैक करूँगी और हम दोनों निकलेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड, लोगों की खोज में, कि बच्चों की खोज में, लोगों की खोज में जिसको हम ये प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो चलिए चलते हैं और मैं दिखाती हूँ आगे। मैंने अपने अड़ोसी पड़ोसी और अपने नेबर्स को पहले ही दे दिया है प्रसाद और अब हम जा रहे हैं बच्चों के खोज में। तो प्रसाद को हम कार में रख लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करने। आप यहाँ का नज़ारे देख सकते हो, देखो हमारे आसपास कितनी ग्रीनरी है घर के। और ये है हमारे घर की बिल्डिंग, ये हमारे सामने की पड़ोसी,
और बिल्डिंग में भी हमारे जितने लोग हैं सबको मैंने प्रसाद दे दिया है। और हम देखते हैं कि हमें बच्चे मिलते हैं कि नहीं, तो प्रसाद तो रख लिया है। तो हमें यहाँ पर स्पेशल एबिलिटी वाले एक अंकल दिखे हैं, तो मैं जा रही हूँ फटाफट उन्हें प्रसाद देने के लिए। रोड के उस साइड पे हैं वो, तो चलिए मैं देने जा रही हूँ अभी। अभी मेरे हस्बैंड का कहना ये है कि तुम्हें चावल बनाना चाहिए था, चावल और छोले की सब्जी तो लोग ज़्यादा प्यार से खाते क्योंकि यहाँ के लोगों को चावल ज़्यादा पसंद है। बट आप देख सकते हो वहाँ पे जिस अंकल को मैंने दिया है, अंकल को जो मैंने दिया है वो अब खाने लगे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने किसी को अभी पहला एक किसी अंकल को दे चुकी हूँ मैं खाने के लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो एक को तो मैं दे पाई प्रसाद, और बाकी मैं देखती हूँ आगे कौन कौन मिलता है और हमें कितनी देर में कौन मिलता है। इतनी देर के बाद हमें कोई एक मिला जिन्हें हम प्रसाद खिला पाए, तो लेट्स सी, चलिए आगे देखते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे फटाफट से प्रसाद निकाल लेती हूँ। अच्छा लग रहा है क्योंकि अब बहुत सारे लोग मिल गए हैं हमें जिसको हम प्रसाद दे सकते हैं। जब मैंने प्रसाद बनाया था तब मैं सोच रही थी कि पता नहीं कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर ऑलमोस्ट मैंने आधा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो गया है हमारा। अभी ये अम्मा खुद से ही आई हैं प्रसाद के लिए। चलो थोड़ी सी प्रसाद और बची है और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, तो हमने सोचा बारिश में चाय पीना चाहिए, तो अभी ये जा रहे हैं चाय लेने के लिए। वहाँ बहुत फेमस शॉप है एक चाय की, तो वहाँ पे है चाय की बहुत फेमस शॉप, तो ये चाय लेके आएंगे। और मैं थोड़ी सी गीली हो गई हूँ क्योंकि बारिश स्टार्ट है, और अभी थोड़ा सा प्रसाद और बचा है तो थोड़े से लोगों को और प्रसाद देते हैं और फिर घर जाएंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज जो मैंने प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया ऐसे लोगों को घूमते घूमते और लोगों को देख के सडनली हमने जो प्रसाद दिया लोगों को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो लोग इतने खुश हो गए और उन्हें प्रसाद खाते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो ऐसा लगा कि जो मैंने मेहनत की खुद से प्रसाद बनाने की वो सफल हो गया, क्योंकि जब आप कुछ करते हो और सामने वाला उस चीज़ को खाता है, खुश होता है, तो बहुत खुशी मिलती है और वो खुशी आज मुझे मिली है। तो अब थोड़ी थोड़ी बारिश में मैं चाय पीती हूँ, चाय का आनंद लेते हैं और फिर जो हमारा बचा हुआ कुछ प्रसाद है और इस प्रसाद को भी मैं पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी, उसके बाद हम जाएंगे। फाइनली छोटी लड़की भी मिल गई है तो हम लोग जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये भी आ गए हैं खाने के लिए, तुम्हें भी देती हूँ अभी। देखिए चाहिए, लो तो इन्हें भी प्रसाद चाहिए, हम इन्हें भी प्रसाद खिला देते हैं। फाइनली हमारा प्रसाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वहाँ भी हमने दे दिया उन लोगों को सबको। हाँ प्रसाद वहाँ भी दे दिया है और ये भी प्रसाद खा रही है।
फाइनली प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करके हम आ गए हैं घर। और लास्ट में मैंने जिसको प्रसाद दिया उन लोगों को प्रसाद खाता देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि वो लोग बहुत खुश हो गए। और लास्ट में एक आंटी भी आई जो प्लेट लेके आई थी अपनी, तो उनको उसमें प्रसाद चाहिए था, तो मैंने उनको प्रसाद दिया और मुझे बहुत खुशी मिली आज। तो मैं आगे भी इस चीज़ को करने वाली हूँ, जब भी मुझसे बन पड़ेगा मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी प्रसाद घर में। जब भी प्रसाद में बनाऊँगी तो मैं ज़्यादा बनाऊँगी, कोशिश करूँगी बहुत ज़्यादा बनाने की जितना मैं बना सकूँ। तो मैं ज़्यादा प्रसाद बनाऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। आई होप आप सभी को मेरा ये प्यारा सा वीडियो पसंद आया हो। और अगर आपको मेरा ये प्यारा सा वीडियो और मेरे खाना बनाने का जो मेहनत आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार हमें देना ना भूले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप भी ऐसा कुछ भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, तो ज़रूर करें, क्योंकि लोगों के चेहरे की खुशी देख के आपको बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।